हज़रत मंसूर शाह वली उर्दू हाई स्कूल बीड महाराष्ट्र में मादरी ज़बान का आलमी दिन बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने अहम प्रोग्राम पेश किए और मौजूदीन शहर ने शिरकत करके महफिल को रौनक बख्शी। इस मौके पर आए मेहमानों ने मादरी ज़बान की अहमियत और अफादियत पर खुलकर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा, उर्दू के शहजाई सब थे, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख पारसी सब उर्दू के शहजाई थे, उर्दू सबकी और सब उर्दू के। वो अत्रदान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, वो अत्रदान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, बसी हुई है उर्दू जुबान की खुशबू। मादरी जबान उस कौम का इफ्तिखार होती है जिस कौम से, जिस जमीन से और जिस मुल्क से वो जुड़ी होती है। स्कूल के हेडमास्टर डॉक्टर मोहम्मद सफी अनवरी कहते हैं, आइए हम आज इस आलमी योम मादरी जबान के मौके पर यह अहद करेंगे, भारत के दुश्वार और सख्त फिरखावारियत में हम पर जो मजीद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं उसे हम हमारी मादरी जबान में पुख्तगी हासिल करते हुए इलाकाई और कौमी जबान को भी सख्त मेहनत और लगन से सीख कर। सलाम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मुनक्कद करदा हिज होलीनेस हजरत मंसूर शाह वली हाई स्कूल में योम आलमी मादरी जबान बहुस्न खूबी अंजाम पाया। इसकी जितनी पीजराई कम की जाए वो कम है। यहाँ के जो सरपरस्त आला हैं मोहम्मद इब्राहिम अनवरी साहब की काविशों कोशिशों का ये फल है जो उनके फर्जन आगे बढ़ा रहे हैं मोहम्मद सफी अनवरी साहब हेडमास्टर। इसमें तलबा को भी मादरी जबान के साथ साथ कसर लिसानी होना चाहिए जिसके लिए हमें उर्दू मराठी इंग्लिश पर भी उबर हासिल होना चाहिए। और यहाँ जो मैंने देखा खुशी हुई है कि मुझे यहाँ एक बाप का बेटे के सामने और एक बेटी का बाप के सामने और एक साले का बहनोई के सामने किस तरह इस्तेमाल किया गया। मंसूर शाह वली स्कूल में बड़े अहतमाम से ये दिन मनाया गया। मुझे यहाँ आकर खुशी हुई कि यहाँ तालिबात ने तलबा ने बेहतरीन अपनी तकारीर व तहरीर पेश की और जो मेहमान ने खसूसी थे उन्होंने भी बहुत अच्छी रहनुमाई की।